माँ शब्द मेरे लिए बस एक धुंधली सी याद है। मैं और मेरे भाई हम मिट्टी के ढेर में खेला करते थे और हमारी माँ हमारे लिए खाना लेने जाया करती थी। कई बार घंटों बीत जाते थे, वो नहीं लौटती थी, और जब लौटती थी तो मुंह में मिट्टी में सना हुआ खाना होता था। मैं कई बार मुंह बनाता था, मुझे वो बदबू करता हुआ खाना पसंद नहीं था, पर माँ मुझे समझाती थी और कहती थी कि पेट की आग के सामने स्वाद हार ही जाता है। मुझे उसकी बातें कभी समझ नहीं आई, लेकिन एक दिन उसकी कही हर एक बात समझ में आ गई, क्योंकि उस रोज मेरी माँ खाना लेने तो गई लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्यों नहीं आई, लेकिन उस रात हम तीनों भाई पूरी रात नहीं सोए, हम उसका इंतजार करते रहे। इतनी भीषण सर्दी में उसके शरीर की गर्मी ही तो हमारा कंबल होती थी। उसके ना आने से हम रात भर ठिठुरते रहे। हम उस पूरी रात उसे पुकार पुकार कर खूब रोए। अगले दिन जब हमारा सब्र जवाब दे गया, हम खुद उस मिट्टी के ढेर से निकलकर खाना ढूंढने चले, लेकिन हमें नहीं पता था कि माँ खाना कहाँ से लाती है। तभी मुझे एक भीनी सी खुशबू पास में सड़क पर लगे डिब्बे से आई। हम तीनों भाई उसके पास पहुंचे। हम डिब्बे को गिराने ही वाले थे कि पास खड़े एक इंसान ने हम पर ढेले से वार किया। हम डर कर वहां से भाग खड़े हुए। उस बात को एक हफ्ता हो गया है और हमें खाने के नाम पर बस इंसानों के फेंके हुए ढेले ही मिले हैं। रोज शाम ढलते ही इस सर्दी में मेरी माँ के जिस्म की गर्मी मुझे याद आती है। ऐसा लगता है जैसे वो सामने से दौड़ती हुई आएगी और उसके मुंह में वही बदबूदार मिट्टी में सना स्वादिष्ट खाना होगा। भूख और ठंड से बिलकते हम तीनों भाई ऐसे ही एक रात अपनी माँ को याद कर रहे थे कि अचानक से किसी ने हमारे ऊपर एक कंबल डाला। हमें लगा माँ आ गई, लेकिन कुछ ही समय में हमारी खुशी फुर हो गई, क्योंकि वो तो एक इंसान था। हम डर के सहम गए। हमें डरा हुआ देख वो इंसान बोला, डरो नहीं, मुझे तुम्हारी माँ ने ही भेजा है, लो ये खाना खा लो। हम चिल्लाए, हमारी माँ कहाँ है, हमें उसकी याद आती है। इस पर वो इंसान बोला कि तुम लोग सिर्फ माँ ही नहीं पूरे परिवार के हकदार हो, और जल्द ही तुम लोगों को पूरा परिवार मिलेगा। ऐसा कहकर वो हमें अपने साथ एक जगह ले गया जहाँ मेरे जैसे और भी जानवर हैं। इस जगह को पीपल फार्म कहते हैं। यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे समझ आ गया है कि मेरी माँ नहीं आएगी, लेकिन यहाँ सब लोग कहते हैं कि हमें जल्दी ही एक परिवार मिलेगा। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।